हेलो गाइस, दिस सैड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। आज हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस सीरीज़ में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज है एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। और जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे भी सी लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया गया है। और जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैं वो रिटन किए जाते हैं थ्रू सी लैंग्वेज। और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, गेम्स और मेजर प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, उन्हें भी डेवलप किया जाता है थ्रू सी लैंग्वेज। और जो भी हमने कंप्यूटर प्रोग्राम सी लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया है तो वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उस सी प्रोग्राम को हम किसी भी मशीन हार्डवेयर पर रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर फॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे कि ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अगर हमें कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कराना है या कोई भी हम काम करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से तो उसे हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस। इसलिए जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर फॉर्मल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनपुट करके अपने डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इससे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टास्क इन अवर कंप्यूटर सिस्टम। और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स हैं वो कंटेन करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि लिखे जाते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनके पर्पज़ के अकॉर्डिंग। और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस्तेमाल में आती है टू राइट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अवर कंप्यूटर सिस्टम्स टू डू एनी टास्क। और आज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है डिफरेंट कंप्यूटर फील्ड्स के लिए। और जो हमारी डिफरेंट कंप्यूटर फील्ड्स है उनके लिए हर साल एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की जा रही है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को डेवलप करने का मकसद ये था कि जो हमारी लैंग्वेज थी BCPL, तो इनमें जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए और नए फीचर्स ऐड करने के लिए अपनी न्यू लैंग्वेज में। और जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे मोर फीचर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो डेनिस रिची थे उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। और जो फर्स्ट वर्जन था सी लैंग्वेज का वो आया था हमारा 1972 में, और जो हमारा लास्ट वर्जन था सी लैंग्वेज का वो आया था हमारा 1999 में। अब हम बात करेंगे वर्जन्स ऑफ सी लैंग्वेज की। तो जो हमारी सी लैंग्वेज से जो हमारे पास पहले लैंग्वेजेस थी वो थी हमारी एल्गोल, BCPL और बी। तो एल्गोल, BCPL और बी में जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर करके ट्रेडिशनल सी को बनाया गया और इनके जितने भी फीचर्स थे उन्हें भी इंट्रोड्यूस कराया गया एक सिंगल लैंग्वेज में जो कि हमारी है ट्रेडिशनल सी। तो जो हमारी एल्गोल लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई थी 1960 में थ्रू इंटरनेशनल ग्रुप। और जो हमारी BCPL है स्टैंड करती है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे डेवलप किया गया था 1967 में थ्रू मार्टिन रिचर्ड्स। और जो हमारी बी लैंग्वेज है हमारी बी स्टैंड करता है हमारा बेसिक के लिए जिसे डेवलप किया गया था 1970 में थ्रू कैन थॉमस। इन सब के बाद इनके जितने भी फीचर्स हैं और जो भी कमियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए हम डेनिस रिची ने ट्रेडिशनल सी को डेवलप किया जिसे डेवलप किया गया था 1972 में। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया सी लैंग्वेज का वो था KRC जिसे डेवलप किया गया 1978 में थ्रू कर्निघान एंड रिची। फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आया सी लैंग्वेज का वो था हमारा NCIC जिसे डेवलप किया गया 1989 में थ्रू NCI कमेटी। फिर हमारा नेक्स्ट वर्जन आया NCIISOC जिसे डेवलप किया गया 1990 में थ्रू ISO कमेटी। उसके बाद जो हमारा लास्ट वर्जन आया सी लैंग्वेज का वो था हमारा C99 जिसे डेवलप किया गया था 1999 में थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी। सो गाइस, ये हमारे वर्जन्स थे सी लैंग्वेज के। ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है। अब जो हमारी आगे की जो भी हमारी स्टडी है सी लैंग्वेज के ऊपर वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।